आपको सीधी तस्वीरें लिए चलते हैं। ममता बनर्जी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। अगर नीतीश जी को जो बोलना है आपको बोलेंगे, उनका भी जाना है, उनका फ्लाइट भी है, उसका बाद तेजस्वी को कुछ बोलना है तो तेजस्वी बोलेंगे, और लास्ट में हमको आपको कुछ पूछना है तो हम बता देंगे। आज तो बातचीत हो ही गई और पहले तो हमारा संबंध इनके साथ रहा ही है, आना जाना यहां से हमारा बराबर होता था, तो कुछ वर्षों से तो आ ही नहीं पाए। इनसे बात हुई और आज यहां आने का मौका मिला तो बड़ी खुशी की बात हुई। यहां सब कुछ देख रहे हैं कितना इन्होंने और डेवलप कर दिया है इन सब चीजों को, और बाकी जो हम लोगों की बातचीत भी हुई है और वो बातचीत मुख्य रूप से यही है कि हम सब लोगों को ज्यादा से ज्यादा सब पार्टियों को मिल करके अगला जो पार्लियामेंट का चुनाव होगा तो उसके लिए सब लोग उसके पहले पूरी तैयारी करें और सब लोग आपस में बैठ करके बातचीत करें और आगे का सब कुछ तय करें कि जो कुछ भी आगे करना है वो देश के हित में होगा। अभी जिन लोगों को राज करने का मौका मिला हुआ है उन सब लोगों को कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ खाली अपना प्रचार कर रहे हैं, देश के लिए कोई विकास के लिए कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ उन्हीं की चर्चा होती रहती है, कुछ है नहीं। आप जरा सा देख लीजिए, यहीं पर आप देखिएगा तो यहां पर इन्होंने किया है कि दिल्ली ने किया है, तो कहीं भी चल करके आप देखिए ना कि वहां से जो काम हो रहा है, इसलिए बाकी सब कुछ ये है तो देश के हित में। और लोग तो जो कुछ भी हम लोगों के देश का पुराना इतिहास है और आजादी की लड़ाई है तो उन सब चीजों को नई पीढ़ी तक सब दिन के लिए लोगों को रहना चाहिए, तब ये लोग पता नहीं इतिहास को बदल देंगे क्या करेंगे, तो सब लोगों को अलर्ट होना है। इसलिए हम लोग सब लोगों से बातचीत और आज बहुत अच्छी बातचीत हुई है और फिर इसके आगे आवश्यकता अनुसार जब होगा तो हम लोग सब एक साथ और अन्य पार्टियों को सबको एक साथ करके और बैठ करके बातचीत भी करेंगे और आगे के बारे में तय करेंगे, यही बात हुई है। अब बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव बात हुई, हम अपना ही कहें बहुत अच्छा बात हुआ है। आपको जो कहना कर नहीं, नीतीश जी आई हुई है, तेजस्वी भी साथ में आई हुई है और नीतीश जी का मिनिस्टर भी आई हुई है, हमने खुश है कि हमारा इधर में आई हुई है बंगाल में। हम तो नीतीश जी को यही रिक्वेस्ट किया है कि नीतीश जी देखिए, जयप्रकाश जी का जब मूवमेंट हुआ था बिहार से हुआ था, अगर हम बिहार में और पार्टी मिलके मीटिंग करें, एक पहले घरवा मीटिंग उसका बाद में तैयार करें, बाद में कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है क्या मैनिफेस्टो है वो सब बाद में बताएंगे, लेकिन पहले एक साथ में एक मैसेज कर देना है कि हम लोग सब एक साथ में है। हमारा तो हम तो पहले से आप लोगों को कह चुका कि हमारा इसमें कोई ऐतराज नहीं है, हम चाहते हैं बीजेपी जीरो बन जाए, बहुत बड़ा हीरो बन गया कोई कुछ नहीं करके मीडिया का सपोर्ट में और नैरेटिव बना के खाली झूठा बात कह के फेक वीडियो बना के और फेक बात करके और गुंडा गद्दारी करके ऐसा नहीं चल सकता है। तो इसी के लिए नीतीश जी सबको साथ बात करेंगे, हम भी बात कर रहे हैं, तो एक साथ में मिलके हम लोग चलेंगे, हमारा कोई पर्सनल ईगो का कोई बात नहीं है, हम कलेक्टिवली एक साथ में काम करने चाहते हैं, यही मैसेज है। आई थिंक इट इज ओके, तेजस्वी कुछ बोलो। नहीं नहीं हो के बात हो ही तो ठीक है, थैंक यू, आई थिंक यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन। एक जन दूजन बेसि ना बोलो একটা প্রশ্ন। হ্যালো দিদি, আলোচনা হলো কিভাবে জোট হবে তার ফর্মুলা নিয়ে কিছু আলোচনা হয়েছে? সবাই মিলে বসলে তবে তো আলোচনা হবে, লেট দেম সিট টুগেদার দেন দে উইল ডিসাইড দ্য নেক্সট কোর্স অফ অ্যাকশন। আসছে সেক্ষেত্রে আঞ্চলিক দল কি বলছে, আঞ্চলিক দলগুলো থেকে কোনো মুখ উঠে আসুক এইসব বিষয় নিয়ে কোনো কথাবার্তা হয়েছে? কংগ্রেস তো দীর্ঘদিন ধরে জোটে নেতৃত্ব দিয়ে আসছে, এর আগে কংগ্রেস বড় বড় নেতৃত্বে থাকে। এই দেখুন, এগুলো আপনাদের চিন্তা করতে হবে না, অল আর টুগেদার, অল আর টুগেদার, দেশ কা জনতা লড়েঙ্গে বিজেপি কা সাথ, এন্ড অল পার্টি উইল ওয়ার্ক টুগেদার। দিদি, ওয়াজ দেয়ার আ ডিসকাশন অন 1:1 ফর্মুলা এগেইনস্ট দ্য বিজেপি অ্যাক্রস অল সিটস ইন দ্য কান্ট্রি?
देखिए जब बैठेंगे बात करेंगे तो अब इस सब बात में डिस्कशन होगा। अगर थीम क्लियर है, विजन क्लियर है, मिशन क्लियर है, तो ये सब बात पे कोई गड़बड़ नहीं होगा। थैंक यू सो मच। तो क्या अब इस पर और सोच विचार होगा? क्या अगली मीटिंग बिहार में होने तो बात वाली है रीजनल पार्टीज की? तो सब सब बात तो कही दिया गया। तो ये आप साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव यहां पर मौजूद थे। और नीतीश लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे सबको साथ लाया जाए और मोदी के अगेंस्ट एक मोर्चा बनाया जाए। ममता बनर्जी के साथ मुलाकात करते हुए और नीतीश कुमार कह रहे हैं कि सब कुछ पॉजिटिव लग रहा है, बहुत अच्छी बातचीत हुई है, लेकिन ये अच्छी बातचीत कैसे एक जुड़ाव के तौर पर सबको साथ ला पाएगी ये भी देखना होगा। इसके बाद अखिलेश यादव से भी उनकी मुलाकात होनी है। समर श्रीवास्तव हमारे सहयोगी ने केशव प्रसाद मौर्य से भी इस संबंध में बात की, आपको सुनवाते हैं। आज लखनऊ में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अखिलेश यादव के बीच बैठक है, ताना बना बुना जा रहा है लोकसभा के चुनाव का। बात करने के लिए तमाम बातों पर मौजूद हैं यूपी के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी। सर बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। केशव जी कैसे देख रहे हैं इस बैठक को, ताना बना विपक्ष बन रहा है लोकसभा चुनाव? देखिए हम लोग यह मानते हैं कि जनता का आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए है, जनता का समर्थन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए है, भाजपा के लिए है, कमल के फूल के लिए है। कोई भी बैठक, मैं यह मानता हूं कि लोकसभा के चुनाव में एक भी वोट भारतीय जनता पार्टी घटा नहीं सकती कोई भी बैठक। और यह सीता मैया और भगवान राम की धरती का मामला है। अगर भगवान श्री राम की जन्मभूमि यानी धरती पर 80 लोकसभा सीटें हैं तो माता सीता की धरती पर 40 लोकसभा सीटें हैं। हम 120 लोकसभा सीटें तो अस्पष्ट तौर से देख रहे हैं कि एक तरफा विजय की ओर बढ़ रहे हैं। ये कोई बैठक, ये जातिवादी बैठक, परिवारवादी बैठक, स्वार्थवादी बैठक, इसका कोई स्थान नहीं है। लोग चाहते हैं सबका साथ सबका विकास, देश का सम्मान चाहते हैं लोग, गरीब का कल्याण चाहते हैं लोग। जब सत्ता में रहे या जो सत्ता में हैं वो अपने कर्तव्य पालन में विफल हैं।